हेलो दोस्तों दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ चीटिंग करने वाले धमाकेदार तरीकों के बारे में। अगर दोस्तों आपने भी पढ़ाई नहीं की है और एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि आज ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप चीटिंग करके एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से पास हो सकते हो। तो बने रहिए और शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर सकते हैं नाखून। नाखून पर दोस्तों आप काफ़ी सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, जैसे कि फ़ोटो के अंदर देख पा रहे हो। तो इसमें लगभग 7 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिसका आप यूज कर सकते हो अगर आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस फोटो में आप देख पा रहे हो बंदे का जो एक हाथ है वो पेन है और सेकंड हाथ उसका खाली है और थर्ड हाथ देख पा रहे हो आप नीचे है। तो दोस्तों जो सेकंड हाथ है यहाँ पर जिस आपको शर्ट की बाजू दिखाई दे रही है उसमें कोई भी हाथ नहीं है, और ये नीचे से देख दोस्तों जैसे देख पा रहे हो मोबाइल के द्वारा चीटिंग कर रहा है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आप चीटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका हाथ, आपके हाथ में दोस्तों आप ग्लव्स पहन के जा सकते हो, कुछ भी पहन के जा सकते हो सर्दी का टाइम है तो, और इस पे आप बहुत कुछ बोले तो सब कुछ लिख सकते हो चीटिंग करने के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हम आपके जूते। आपके जूते का जो सोल होता है दोस्तों उस पर आप बहुत कुछ लिख सकते हो और उसे बाथरूम या टॉयलेट में आप जाकर बिल्कुल पढ़ सकते हो अगर आपके काम की चीज़ मिलती है, जैसे कि फॉर्मूले हो गए, बहुत सारे जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो गए, और इसके अलावा और भी जो जानकारी है शॉर्ट टर्म में जूते के नीचे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पानी की बोतल। तो पानी की बोतल तो आप एग्जाम में ले जा सकते हो, तो इसका जो अंदर का जो कवर होता है उस पर आप सारा मेंशन कर सकते हो और बाहर में उस कवर को लगा सकते हो, क्योंकि बोतल दोस्तों ट्रांसपेरेंट होती है। तो इससे भी दोस्तों आप अच्छी खासी चीटिंग कर सकते हो, अच्छा खासे नंबर ला सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आपने सभी अंगूठी तो पहनते ही होंगे लेकिन अंगूठी पहनने का भी तरीका है, जैसे कि इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट अंगूठी है वो बिल्कुल रिंग की तरह लग रही है, आप पहन के जाओगे तो आपको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। सेकेंड में भी आप रिंग ही देख पा रहे हैं, थर्ड में देख पा रहे हैं आप कि इस पे कैसे ये बहुत सारी जो चिट्ठियाँ हैं उनको मिलाकर बनाई हुई है, ये रिंग बुक टाइप में है। इससे भी आप अच्छी खासी चीटिंग कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये कोई भी पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये सिंपल रिंग की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कोई भी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें दोस्तों जो आवर्त सारणी होती है, जो टेबल होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप दोस्तों टेबल के ही जूते पहन के जा सकते हो, और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो टेबल से आते हैं, मतलब उनका कहीं ना कहीं लिंक होता है, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम जो भी होते हैं उनसे लिंक होता है। तो ये सारे इसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जूते के अंदर ये पूरी सारणी बनी हुई है। तो ऐसे जूते पहनकर भी आप चीटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग में एक कैलकुलेटर यूज होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो समझ ही गए होंगे। अगर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन है उसको आप इसके ऊपर लगा दो तो ये HD एक कैलकुलेटर की तरह दिखाई देगा, और ये एग्जाम में अलाउ होता है दोस्तों, ये एग्जाम में अलाउ होता है ले जाना। तो इसका यूज करके आप इसकी कटिंग करके इसके अंदर मोबाइल सेट करके भी चीटिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा तरीका है और लेटेस्ट तरीका है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपने कोई भी बैंडेज लगा रखी है या कुछ भी लगा रखा है तो उसके नीचे भी आप चिट वगैरह छिपा कर ले जा सकते हो। एग्जाम आपके जैसे कि आपके हाथ पे देख पा रहे हैं चोट लगी हुई है, तो एग्जाम इस बैंडेज को कभी नहीं हटाएगा। देन आप इसे हटाकर इसके नीचे जो भी लिखा हुआ मटेरियल या जो भी चिट है उसका यूज कर सकते हो दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो शूज देख पा रहे हो आप उसमें काफ़ी सारे मैथ के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो ऐसे शूज खरीद कर भी आप इनका यूज कर सकते हो एग्जाम में, ताकि आपको एग्जाम पास करना आसान हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो स्केल होती है, रंगीन जो स्केल होती है, उसके नीचे भी दोस्तों आप बहुत सारा आइटम लिख कर ले जा सकते हो और उसका एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों धांसू धांसू तरीके थे दोस्तों एग्जाम में कैसे चीटिंग करनी है और कैसे पास होना है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।